लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हाउ डू वी यूज वाटर, हम वाटर को कैसे यूज करते हैं. रिवर वाटर इज टेकन टू द फील्ड थ्रू कैनल. जो रिवर का वाटर होता है वो फील्ड में कैसे आता है, कैनल के थ्रू होता आता है. दीज आर कॉल्ड कैनल्स, उसे हम क्या कहते हैं, कैनाल्स कहते हैं. अ डैम इज अ वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू होल्ड वाटर, एक डैम बनाया जाता है अक्रॉस द रिवर जो कि वाटर को होल्ड करता है, रोकता है. इन दिस वॉल स्पेशल गेट्स आर मेड, और इस वॉल पे स्पेशल गेट भी बनाए जाते हैं. दीज गेट्स आर कॉल्ड स्लाइस गेट्स. ओके, दीज गेट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. ये गेट क्यों बनाए जाते हैं, जो वाटर का फ्लो होता है वो काफी तेज होता है बहाव, उसे कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं. बिहाइंड द डैम अ रिजर्व इज मेड टू स्टोर वाटर. दिस रिजर्व्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लेक, इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल लेक कहते हैं. कैनाल्स टेक वाटर फ्रॉम दीज आर्टिफिशियल वाटर बॉडी टू द फील्ड. नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं. विच एरिया कैन बी इरीगेट विद द हेल्प ऑफ डैम एंड कैनाल्स, वो कौन सा एरिया है जो डैम और कैनल कैनाल्स के हेल्प से इरीगेट किया जाता है. ऑफकोर्स द आंसर इज एरिया नियर द रिवर एंड द स्ट्रीम्स. ऑफकोर्स वही एरिया होंगे जो रिवर के पास होंगे. एग्रीकल्चर फील्ड इन नॉर्दर्न प्लेन्स सेंट्रल इंडिया एंड कोस्टल एरियाज हैव बीइंग डैम बिग डैम एंड कैनाल्स. इंदिरा गांधी कैनाल हैज टर्न मैनी पार्ट ऑफ राजस्थान, जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो राजस्थान के कई पार्ट राजस्थान टर्न उसका जो पार्ट है वो टर्न किया गया है राजस्थान की साइड इन इनटू अ ग्रीन जोन. वो एरिया कॉल ग्रीन जोन में आता है. डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज, डैम्स किस लिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एक तो वो वाटर होल्ड करता है, जिस एरिया में पानी की कमी होती वहाँ उस वाटर को सप्लाई किया जाता है. सेकेंड, इससे इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट की जाती है. इन द डैम वाटर नॉर्मली फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट, जो नॉर्मली वाटर होता है डैम का वो बहुत ही ग्रेट हाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा बहाव होता है उसमें. दिस फोर्स ऑफ वाटर इज यूज टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उस वाटर का जितने ही फोर्स होता है उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड This type of electricity is called hydroelectricity of hydel power. Okay, during the rainy season when a river is flooded, जब भी रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, तो वो रिवर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उससे क्या होता है, बाढ़ आने की संभावनाएं होती हैं. डैम्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, डैम क्या करता है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है. फिशेज आर ऑल्सो ब्रीड इन डैम. लेट्स रीड अबाउट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. ओके, इसके जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं. भाखड़ा नागर डैम इज वन ऑफ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया. भाखड़ा नागर डैम एक सबसे हाइएस्ट डैम है इंडिया में. इट इज बिल्ट इन रिवर सतलुज, और ये कहाँ पे, सतलुज रिवर पे बनाया गया है. इट फॉर्म्स अ लेक कॉल्ड द गोविंद सागर लेक, और एक लेक की फॉर्म में जिसे हम गोविंद सागर लेक कहते हैं. दिस इज अ बिग ह्यूमन मेड लेक ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का बिग ह्यूमन मेड लेक है. दिस प्रोजेक्ट प्रूव्स बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये प्रोजेक्ट जो है ये वाटर भी सप्लाई करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने की यूज में आता है. टू स्टेट लाइक पंजाब, कहाँ पे सप्लाई किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली. ओके, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.